तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत जलवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत जम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत जम्वाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत जम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे
और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं, मूवी पारिवारिक है, तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी, तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है,
तो दोस्तों, अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना, वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है। अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है। तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। और जो विद्युत झम्बाल है, वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्बाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झम्बाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है, वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा। बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है, वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए, और यह मूवी भी ज़रूर देखिए। फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40%
और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे, और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्वाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्वाल उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं, मूवी पारिवारिक है, तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है
वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झमवाल उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि
जो डिज़नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज़नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है, वो मूवीज़ आपको डिज़नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत जलवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत जम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे, और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे
अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान मतलब इस मूवी का जो हीरो है वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी, तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए। फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं,
इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करते हैं बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्वाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्वाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इन्जॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है,
बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्वाल है वो यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्वाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है।
दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी YouTube पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर YouTube पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा,
बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब यह मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर YouTube पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे, और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है, क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है।
अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है। अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और ये मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था।
वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्बाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करते हैं बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्बाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्बाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्बाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी, तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए। फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहां पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं।
पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झमवाल उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों TV के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को TV पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को TV पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है
वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झमवाल उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा,
मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा। बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत जलवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है।
वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है। अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है। तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो। और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहां से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसियल ने जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी
और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झंवाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करते हैं बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झंवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झंवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झंवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झंवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियल आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्बाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, और जो विद्युत झम्बाल है वो यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्बाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झम्बाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों TV के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को TV पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को TV पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था,
मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी YouTube पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर YouTube पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे, और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं।
इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत जम्वाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा। बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत जलवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत जम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें,
तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है? तो दोस्तों, अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना, वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है। अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है। तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। और जो विद्युत झम्बाल है, वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो। और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्बाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झम्बाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा। बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है, वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए। फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों, जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर इस मूवी को 40%
और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्वाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्वाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है, वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है
वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है जिसके अंदर आपको विद्युत जलवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रुसियल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है। और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और ये उनकी पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत जम्वाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देश पांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है। और वो हाथी, यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उसे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है, वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत जम्वाल है वो यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत जम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत जम्वाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों TV के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को TV पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को TV पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि
जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है, वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में, तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे, और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है, बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है, और वो हाथी यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान, मतलब इस मूवी का जो हीरो है,
वो उस हाथी के पास आता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, और जो विद्युत झमवाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झमवाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे, और जो विद्युत झमवाल है उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में हैं। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है। जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी, तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए। फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम एक और कमाल की धमाकेदार बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी भी काफ़ी कमाल की है, और इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी कमाल की है। दोस्तों ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपका जो प्यार है जानवरों के प्रति वो और बढ़ने वाला है, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मूवी है वो आखिरकार हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जंगली मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक तरह से एक एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी है, जिसके अंदर आपको विद्युत झलमल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कमाल की है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मूवी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। हाँ दोस्तों यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, जहाँ पर जाकर आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। पहले इस मूवी को देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, बट अब जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में देख सकते हैं। बाकी ये मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये मूवी अगर यूट्यूब पर अनऑफिशियली आती है तो कुछ और बात है, बाकी ये मूवी आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें मूवी की कहानी, फैक्ट्स और इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों जो IMDB थी वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 5.5 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 40% और गूगल यूजर है वहाँ पर 81% लोगों ने लाइक्स दिया हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था चुक रूसल ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद इनको जानते होगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ को बनाया हुआ है, और वैसे तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और ये उनकी पहले ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड के अंदर बनी थी, और वो ये जो मूवी थी वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 26 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर विद्युत झमाल देखने को मिलते हैं,
इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। अगर हम बात करें इस मूवी के और कास्ट के बारे में तो पूजा सावंत, इसके अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी, अक्षय ओबेरॉय, मकरंद देशपांडे और भी यहाँ पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे कास्ट है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की रही है। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी में क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक हाथी होता है जिसका एक ऐसे बंदे से कनेक्शन है जिससे वो नहीं डरता है बल्कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी होता है, उस हाथी के पास जाने सब लोग डरते हैं, मतलब सबको डर लगता है। वो हाथी ने बहुत सारा ऐसा नुकसान किया है तो कोई भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर एक दिन जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हाथी का दांत जो होते हैं ना वो काटने वाले थे, वो काट कर बेच देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जंगल के अंदर एक बहुत ही फेमस हाथी होता है, अब उस हाथी का दांत या फिर उस हाथी को कोई भी किडनैप कर लेगा तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करते हैं बट हाथी किसी के हाथ नहीं आता है, और वो हाथी यही वजह थी कि हाथी किसी को अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उससे अब इंसान से डर लगता है। फिर एक इंसान मतलब इस मूवी का जो हीरो है वो उस हाथी के पास जाता है, तब हाथी को ऐसा लगता है कि कोई अपनाया है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और जो विद्युत झम्वाल है वो यहाँ पर उनकी मतलब सेवा करते हैं, फिर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उससे भी कुछ ना हो, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जैसी कहानी बढ़ती है तो जो क्लाइमेक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कैसे भी कर उस हाथी को ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर भी जो विद्युत झम्वाल है उनको बचा लेते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे और जो विद्युत झम्वाल उनकी एक्टिंग आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप जो है इस मूवी को आपकी पूरी जो फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। मूवी पारिवारिक है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर कमाल की एक्टिंग यहाँ पर उनकी है। इसके अलावा जो पूजा सावंत है वो भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आशा भट्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल में है। और ये मूवी वैसे ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर आती रहती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा होगा, बट जो लोग इस मूवी को टीवी पर नहीं देखे हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी साइट्स है वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वहाँ पर तो अब ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी जो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो डिज्नी प्लस है वो बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ को फ्री कर दिया है, जो मूवीज़ अब ओल्ड हो चुकी है या फिर जिन मूवीज़ की डिमांड अब कम है वो मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखिए और यह मूवी भी ज़रूर देखिए, फिर आप ये बताना कि आपको यह मूवी कैसे लगी। मैंने इस मूवी को आज से लगभग 2 साल पहले देखा था, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा।